वो तीसरे दर्जे का है, इसलिए उसे निक कहते हैं। मैं सोच रहा था कि अजीब घन चक्कर है। खैर, वो आगे बताती रही कि निक ने कल सुबह कहीं चले जाना था, तो ये जादुई दुनिया का काफी हद तक वीरान हो जाती। और वो यहाँ इसलिए कैद थी क्योंकि वो लैला की हम शक्ल थी। लैला उसे अपनी जवानी की निशानी समझकर कैद किए हुए थी। वो बाहर जा सकती थी, लेकिन वो मुरा से डरती थी क्योंकि वो उसे कहीं से भी ढूंढ लेती और फिर उस पर जादुई पानी फेर दिया जाता। जादुई पानी एक तरह का तेजाब था जो लाशों को हनोत कर देता था और रूहों को आजाद करके उसे जादुई पानी डालने वाले के कब्जे में दे देता था। फिर क्योंकि रूह जमान और मकान की कैद से आजाद होती है, इसलिए वो फिर अपनी सारी जिंदगी इससे काम लेते रहते। वो जिस्म सारी जिंदगी जलता तड़पता रहता, उसे आत्मा शांति नसीब नहीं होती। अब वो बता रही थी कि मेरे सफेद जादू की वजह से इस जादू नगरी में हलचल पाई जा रही है। जादुई दुनिया के बड़ों ने लैला को 10 दिन की मोहलत दी है। इसके बाद वो मुझ पर जादू पानी फेर देते और मेरी रूह को कब्जे में लेकर इससे काम लेते रहते। क्योंकि मेरे पास सफेद जादू था तो मेरी रूह भी सबसे ज्यादा ताकतवर होती, जबकि लैला चाहती थी कि वो किसी तरह मुझसे सफेद जादू वसूल कर ले। इसलिए वो आज दोपहर से कहीं चली गई थी। उसने कहीं जाकर 3 दिन का चिल्ला काटना था। इस चिल्ला में वो अपने 5वें दर्जे के किसी उस्ताद जादूगर की रूह को बुलाती। वो उसे बताता कि किस तरह वो मेरी मर्जी के बगैर मुझसे सफेद जादू हासिल कर सकते हैं। अब माहनूर चाहती थी कि वो यहां से आजाद होना चाहती है, लेकिन वो चाहती है कि आजादी के बाद मैं इसके लिए और इसके घर वालों के लिए ऐसे तवीज बना कर दूं जैसे मैंने पहने हुए हैं, ताकि मैं लैला और उसके चेलों के हमलों से महफूज रह सकूं। मैंने इससे चंद लम्हे सोचने की मोहलत मांगी। उसने बताया कि वो अब जा रही है, अब खाने पर मुलाकात होगी। वो अपनी ऊंची हैज से खट खट करती चली गई और उसके बाद कदम रखते ही दीवारें अस्पाट हो गईं। खाने के वक्त का इंतजार करते करते मेरे पास इतना वक्त था कि मैं इस मंत्र को हिफ्ज कर लेता और बाकी खत मुकम्मल पढ़ लेता। मैंने खत निकाल कर पहले मंत्र को याद कर लिया, इसके बाद खत को आगे पढ़ना शुरू कर दिया। वो चिल्ला काफी खतरनाक होगा, उसकी सारी मालूमात इस तहखाने में रखी जाने वाली काले जादू की किताब में दर्ज होंगी। इसके साथ ही वो किताब बहुत अहम है, उसमें बहुत सारे और जादू भी दिए गए हैं। बेटा, मैं तुम्हें हक और बातिल की जंग में नहीं फेंकना चाहता। हमारा और इस जादुई दुनिया का कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर है तो सिर्फ इतना कि हम जिंदा रहना चाहते हैं और वो हमसे ये हक छीनना चाहते हैं। लेकिन याद रखो, तुमने अपने हक के लिए लड़ना है। ये हक तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर कोई छीनने की कोशिश करे तो तुमने उससे लड़ना है, यही तुम्हारा हक है। इस दुनिया में ताकत के साथ अक्ल भी जिंदा रहने के लिए जरूरी है। हिरन की टांगों में बहुत ताकत होती है, अगर वो भागते वक्त अक्ल का दामन ना छोड़े तो शेर भूखा मर जाए। लेकिन शेर अक्ल का दामन थाम लेता है, उसे भगाता है, उसे थकाता है, फिर उसे पकड़ लेता है। तुमने शेर बनना है जो ताकत में कमतर होकर भी हाथी को बिछाड़ देता है। और आखिर में बेटा, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मेरे काला जादू सीखने की ख्वाहिश ने तुम्हारी माँ की जान ले दी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। काफी देर तक मैं रोता रहा, फिर इस खत को 2-3 बार चूमा और उसे जेब में उड़ेस लिया।
इस दौरान पुरसकून हो गया था। फिर कुछ देर गुस्से से खोलता रहा कि इस जादुई दुनिया ने मुझे क्या दिया, चंद ताकतें और बदले में अपना पूरा खानदान गिनवा बैठा। इसी दौरान दीवार हल्की गिड़गिड़ाहट के साथ खिसक गई और दीवार की दूसरी तरफ खिलाफ तवक्को माह नूर की बजाय मुझे कुर यानी निक नजर आया। मुझे फौरन अपने कदमों पर खड़ा हो गया। इस वक्त मुझे इसका चेहरा जहर लग रहा था। मुझे अपने बाबा का खत बार बार याद आ रहा था, साथ में आखिरी मार अभी तक नहीं भूला था। अब मैं कोई कमजोर शख्स नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक जादू सफेद जादू का मालिक था। वो मुझे हैरत से देख रहा था, क्योंकि वो जब मुझे छोड़कर गया था तब मैं खून में लथपथ था। अब बिल्कुल तंदुरुस्त बिला खौफ खतर उसके सामने खड़ा था। उसने एक निगाह गलत मुझ पर डाली और अचानक दौड़ लगा दी। मैं इसी जगह रुका रहा, ना कोई डर, ना कोई खौफ, ना ही जान बचाने की कोई आरज़ू। उसने मुझसे थोड़ा दूर पहुंचकर उल्टी कलाबाजी खाई और उसके दोनों पांव मेरे सीने से जा टकराए। मुझे हल्का सा झटका लगा और मैं एक दो कदम अपनी जगह से पीछे चला गया, जबकि वो चिल्लाता हुआ नीचे गिर पड़ा। कुछ देर में उसने अगले वार का इंतजार करता रहा, पर वो कुछ देर यूं ही पड़ा रहा, फिर उठकर दीवार के पास चला गया। इसी दौरान दरवाजा खुला हुआ था, पर मेरा फरार होने का दिल नहीं कर रहा था। मैं खामोशी से उसे घूरता रहा। उसकी आंखों में अब गुस्से के साथ साथ परेशानी भी झलक रही थी। उसने वहीं खड़े खड़े अपने हाथ हिलाए और काफी सारे पत्थर मेरी तरफ सफर करने लगे। मैंने डर के मारे अपने बाजू चेहरे के ऊपर कर लिए। कुछ देर तक कुछ ना हुआ तो डरते डरते आंखें खोली। मेरा जिस्म से थोड़ा सा दूर सारे पत्थर बिखरे पड़े थे। मेरे जहन में मेरे बाबा का तवीज याद आया। मेरा दिल और चौड़ा हो गया। उसने झुल्ला कर दोबारा वार किया। इस बार मैंने एक बार मंत्र पढ़कर फूंक दिया और एक आग का गोला मेरे हाथ के ऊपर चमकने लगा। मैंने हाथ का इशारा किया तो वो सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगा और उसकी तरफ से आने वाले तमाम पत्थरों को निगल गया और अब वो निक की तरफ बढ़ रहा था। उसने एक दो मंत्र पढ़कर फूंके तो उसके हाथों से पानी के गोले निकले, लेकिन वो गोले आग वाले गोले की हिद्दत कम ना कर सके। जब वो गोला उसके काफी करीब पहुंचा तो उसने खिसकी हुई दीवार की वजह से बनने वाले दरवाजे से बाहर छलांग लगा दी थी। उसके छलांग लगाते ही दीवार फौरन स्पाट हो गई और गोला जो बाहर की तरफ लपक रहा था वो सीधा दीवार से जा टकराया। दीवार से टकराते ही हर तरफ अंधेरा फैल गया। हर तरफ से ऐसी आवाजें आने लगी थी जैसे कोई मैयत पर बयान कर रहा हो। मैं अंधेरे में टटोलता हुआ आगे बढ़ा। कुछ देर चला कि मुझे एहसास होने लगा कि मैं कमरे के हाथे से बाहर था। इसी दौरान मुझे माह नूर की चिल्लाती हुई आवाज सुनाई दी। मैंने आग वाला मंत्र पढ़ा और आधी मुट्ठी खोलकर हाथ को ऊपर इशारा किया। मेरे इर्द गिर्द सारी जगह रोशन हो चुकी थी। अजीब किस्म का वीराना था, कमरे का नाम और निशान तक नहीं था। इसी दौरान मुझे माह नूर की आवाज सुनाई दी। वो मुझे पुकार रही थी। मैं उसकी आवाज की सुनत बढ़ा। वो आगे नजर आ गई थी। आज तुमने कमाल कर दिखाया है, पूरी जादुई दुनिया में हलचल मचा दी है। एक तरफ जहां वुमरा यहां नहीं है, वहीं उसके खास चेले निक को हरा कर जादुई नगरी की बुनियाद में दरार डाल दी है। मैं सोचने लगा कि ये निक कौन है, फिर याद आया कि कुर ही निक है। ये जादुई दुनिया भी अजीब घन चक्र थी। एक तरफ शुक पहले दुश्मन बनकर सामने आया और वुमरा दोस्त बनकर, फिर पता चला कि शुक ही इस दुनिया में मेरा वाहिद दोस्त है और वुमरा ही सख्त तरीन दुश्मन है। अब माह नूर मुझे अजीब अजीब रास्तों से लेकर आगे बढ़ रही थी। एक जगह पर
बड़ा सा इहाता बना हुआ था। चारों तरफ ऊंची ऊंची जगह थी और ऊपर से बंद थी। एक दरार नुमा दरवाजा था जहां से आगे बढ़ा जा सकता था। वहां तक पहुंचे तो एकदम से कहीं से एक काला आदमी सामने आ गया। उसकी सख्त कड़क आवाज सुनाई दी, जादुई दुनिया के फौरन नाफिज उसूलों के मुताबिक यहां से कोई शख्स बाहर नहीं जा सकता। मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हश्र करूंगा। वो हंसने लगा, नादान इंसान, मैं तीन तक गिनूंगा, इसके बाद कोई मोहलत नहीं मिलेगी। ये कहकर उसने गिनती शुरू कर दी, एक दो। इसी दौरान मैंने मंत्र पढ़ लिया था। उसके तीन कहते ही एक आग का गोला उसकी तरफ फेंका जिसने उसे लपेट में ले लिया और अजीब किस्म की आग में वो घिर गया था। वो चीख चीख कर मेरी मिन्नतें करने लगा, अगर आग बुझा दोगे तो मैं तुम्हारा गुलाम बनकर जीऊंगा। माहे नूर ने कहा, क्यों ना उसे मौका दिया जाए, वैसे भी तुम्हारा कोई जानिसार नहीं है। ठीक है, कहते हुए मैंने आग का मंत्र पढ़कर आग उठा ली और रोशन कर ली। वो काला आदमी मेरे कदमों में झुक गया। मैंने उसे उठाया और चलने को कहा। हम इस दरार से बाहर निकले तो मैंने सोचा कि पहले गांव जाना है, इसलिए हवा में उड़ने वाली गिनती में मंत्र पढ़ा और इन दोनों के हाथ पकड़ लिए।